हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी स्कॉड आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग क्लास एथ साइंस की बुक का चैप्टर सेवेंटीन स्टार्स इन द सोलर सिस्टम के क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखने वाले हैं तो देखो पहला क्वेश्चन है हमें करेक्ट आंसर को चूज़ करना है इसमें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम तो सोलर सिस्टम के मेंबर कौन कौन होते हैं तो हमारे स्टार्स हो गए प्लैनेट हो गए है ना एस्ट्रॉयड्स हो गए कॉमेट सेटेलाइट ये सारे के सारे सोलर सिस्टम के मेंबर्स होते हैं तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से ऑप्शंस में से कौन सा सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है क्या पूछा गया है कि कौन सा नहीं है ये बताना है तो देखो इसका जो आंसर है वो है ए कॉन्स्टिलेशन तो देखो कॉन्स्टिलेशन ना क्या होता है पैटर्न्स जो बनाते हैं ना स्टार्स जैसे कि उर्सा मेजर उर्सा माइनर ओरियन ये क्या होते हैं कॉन्स्टिलेशन होते हैं कुछ ना एक पै... स्टार्स जो है ना सपोज करो कि कोई ना एक जैसे कि पैटर्न टाइप का बना रहे जैसे कि मान लो ये ऐसे करके एक रेक्टेंगल टाइप ये कॉर्डुलेटर टाइप का बना रहे जब स्टार पैटर्न बनाते हैं ना उस चीज़ को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिलेशन तो वो कोई सोलर सिस्टम का मेम्बर नहीं होता वो तो स्टार्स की ही एक शेप होती है बस क्वेश्चन टू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लानट ऑफ द सन इनमें से सन का प्लानट कौन सा नहीं है तो देखो कौन कौन से हैं मर्करी वीनस अर्थ मार्स है ना जुपिटर सैटन यूरेनस नैपचून ये आठ हैं तो इसमें से कौन सा नहीं है तो ये देखो ये सीरीज जो है ना सीरियस ये प्लानट नहीं है सूरज सन का तो ऑप्शन ए जो है वो प्लानिट नहीं है फेजेस ऑफ द मून अकर बिकॉज जो मून है उसके अलग अलग फेजेस होते हैं यानी कि कभी हम लोगों को मून जो है वो पूरा कंप्लीट फुल मून दिखता है कभी हाफ दिखता है है ना देखो कभी हम लोगों को क्या होता है कि मून बिल्कुल ऐसा बिल्कुल गोल दिखता है कभी कभी हम लोगों को मून ऐसे करके भी दिखता है है ना इस टाइप से भी मून हम लोगों को दिखता है कभी कभी हम लोगों को ऐसे भी दिखता है तो मून की ऐसी अलग अलग शेप्स हमें क्यों दिखती हैं क्योंकि मून धरती के चक्कर लगा रहा है और हमें मून का एक पार्ट दिखता है तो इसका जो आंसर है वो ये है वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट लाइट टुअर्ड us। तो हमें मून का सिर्फ और सिर्फ वही वाला भाग दिखता है जो हमारी तरफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है वी कैन सी ओनली that पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट लाइट टूअर us। मून की खुद की तो कोई लाइट होती नहीं है हमें जो लाइट मून पर पड़ती है सूरज की रोशनी जो मून पर पड़ती है वही रिफ्लेक्ट होकर के हमें दिखती है और जब मून चक्कर लगा रहा होता है और उसके जिस पार्ट पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही होती है ना वो पार्ट हमें नहीं दिखता है फिल इन दी ब्लैंक्स हैं द प्लानट विच इज़ द फारदस्ट फ्रॉम द सन इज नैपच्यून यानी कि जो प्लानट सबसे ज़्यादा दूर है सबसे ज़्यादा दूर जो प्लानट है वो कौन सा है सूरज से नैपच्यून प्लानट विच अपीयर्स इन कलर जो रेड कलर का प्लानट हम लोग को दिखाई देता है वो है मार्स ग्रुप ऑफ स्टार दैट अपियर टू फॉर्म अ पैटर्न इन द स्काई इज़ नोन इज कॉन्स्टिलेशन थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था ना जो स्टार्स एक पैटर्न से बनाते हैं उसको कॉन्स्टिलेशन हम लोग बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लानट इज़ नोन एज सेटेलाइट तो सेलेस्टियल बॉडी सेलेस्टियल बॉडी का मतलब होता है जो कोई चीज़ स्काई में होती है जैसे कि स्टार्स प्लानट जो कि एक एक सेलेस्टियल बॉडी जो कि प्लानट के चारों तरफ चक्कर लगा रही है बॉडी है जो कि प्लानट के चारों तरफ ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूम रही है पूरे में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं सैटेलाइट जैसे कि मून जो है वो अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होती हैं जो काफ़ी सारे काम आती हैं जैसे कि कम्युनिकेशन करने के लिए काम आती हैं शूटिंग स्टार्स और एक्चुअली नॉट स्टार्स शूटिंग स्टार्स क्या होते हैं मिटियॉर्स होते हैं वो सच में कोई तारा नहीं होते हैं वो बस कुछ रॉक्स वगैरह होते हैं जो फ्रिक्शन की वजह से चमक रही होती हैं एस्ट्रॉयड्स आर फाउंड बिटवीन द बेल्ट ऑफ मार्स एंड जुपिटर मार्स और जुपिटर के बीच में ना एक एस्ट्रॉयड की पूरी बेल्ट सी बनी हुई होती है अब आता है ट्रू फॉल्स तो देखो पोल स्टार इज़ अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम पोल स्टार मेंबर है क्या सोलर सिस्टम का तो ये तो बात गलत है क्योंकि सोलर सिस्टम में क्या क्या होते हैं प्लानट है, है ना स्टार सैटेलाइट तो जो पोल स्टार है वो तो मतलब एक अलग से स्टार है ना वो सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है वो काफ़ी दूर कोई एक स्टार है नेक्स्ट है मकर इज द स्मॉलेस्ट प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम सबसे छोटा प्लानट है मकरी सोलर सिस्टम का बिल्कुल सही बात है यूरेनस क्या सबसे दूर है सोलर सिस्टम में नहीं क्या है सबसे दूर नैपचून है सबसे दूर इंसेट इज अ सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो यस इनसेट इंडिया की एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है देर आर नाइन प्लान्स इन द सोर सिस्टम फॉल्स देर आर एट प्लान इन द सोलर सिस्टम अगर आप लोग अब याद हो गए हैं वो कौन कौन से हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए नेक्स्ट है कॉन्स्टिलेशन ओरियन कैन भी सीन ओनली विद टेलीस्कोप नहीं है ऐसे भी देखा जा सकता है नॉर्मली भी हम लोग ओरियन कॉन्स्टिलेशन को ईजिली देख सकते हैं ठीक है तो ये सब हम लोगों ने देख लिया आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं मैच द आइटम्स इन द कॉलम्स तो इसको हमें मैच करना है इनर प्लानिट क्या होते हैं तो देखो इनर प्लानिट के हम इन लोगों को ना एग्जाम्पल देने हैं कि इसमें से इनर प्लानिट कौन से हैं तो देखो मर्करी वीनस अर्थ मार्स तो ये सारे के सारे क्या हैं इनर प्लानिट है तो वन uh, जो है ना एक तो वो ई e से मैच होगा और एक मैच होगा जी से तो मतलब वन वन वाला ई और जी दोनों से मैच करेगा वन में ई भी है इसमें और जी भी है ठीक है आउटर प्लानिट आउटर प्लानिट जो बाकी आगे वाले होते हैं जैसे कि मकेविनस अर्थ मास इनर प्लानिट हैं जुपीटर सैटन पचून यूरेनस ये आउटर प्लानट है तो आउटर प्लान कौन सा है यहाँ पर आउटर प्लान है जो हमें यहाँ पर गिवन है ए ए यहाँ पर हमें आउटर गिवन है ठीक है पहले मैं ना ये रब कर देती हूँ जैसे मैंने मच किया इनर प्लान यहाँ पर कौन सा है इनर प्लान हमारे पास यहां पर यहाँ तो ई e और जी ई e और जी मैच हो जाएगा आउटर प्लान कौन सा है आउटर प्लानट है ए कॉन्स्टिलेशन कॉन्स्टिलेशन होते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स तो यहाँ पे क्या है एक तो ग्रेट बैर ग्रुप ऑफ स्टार्स है हमारे पास यहाँ पे है ना और यहाँ पे हमारे पास ओरियन है ग्रुप ऑफ स्टार्स तो दो कॉन्स्टिलेशन है सी और एफ तो सी और एफ ये दोनों कॉन्स्टिलेशन है और अर्थ की नेचुरल सेटेलाइट क्या है अर्थ की सेटेलाइट है मून है ना तो इसका आंसर हो जाएगा डी तो ये हमारे इसके आंसर्स हो गए हैं ठीक है इस तरीके से मैच हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो क्वेश्चन नंबर सेवन है इन विच पार्ट ऑफ द स्काई कैन यू फाइंड वीनस इफ इट इज़ विजिबल एज एन इवनिंग स्टार तो अगर हम लोगों को वीनस इवनिंग स्टार के फॉर्म में दिख रहा है तो किस जगह पर स्काई में किस जगह पर हमें वीनस दिखता है तो वीनस अपियर्स इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर सनसेट तो सनसेट के जस्ट बाद में हम लोगों को वीनस दिखता है स्काई में

तो उड़सा मेजर देखो यहाँ पे ये ये जो है ये हमें उड़सा मेजर देखने को मिल रहा है और ये ओरियन है ये देखो ये पोलसार से ऐसे करके इसकी लोकेशन होती है और ये ओरियन हमें बना हुआ दिख रहा है यहाँ पर इस तरीके से आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं क्वेश्चन अलेवन है नेम टू ऑब्जेक्ट अदर देन प्लानट दैट मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम दो प्लानट जो कि टू दो ऑब्जेक्ट प्लानट के अलावा जो कि सोलर सिस्टम के मेंबर होते हैं तो सेटेलाइट एंड एस्ट्रॉइड्स आर द ऑब्जेक्ट्स दैट टू आर द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम तो सेटेलाइट हो गए एस्ट्रॉइड्स हो गए ये भी सोलर सिस्टम के मेंबर होते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है एक्सप्लेन हाउ यू कैन लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर उर्सा मेजर की हेल्प से आप लोग पोल स्टार को कैसे लोकेट कर सकते हो तो आंसर है टू लोकेट पोल स्टार वी शुड लुक टूवर्ड्स नदर्न पार्ट ऑफ द स्काई एंड आइडेंटिफाई उर्सा मेजर वी मे लुक एट द टू स्टार्स एट द एंड ऑफ उर्सा मेजर अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू स्टार्स इज दमेजिड एंड इज एक्सटेंडेड टूअर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन द लाइन विल लीड टू अ स्टार दैट इज टू ब्राइट तो देखो ऐसा होता है यहाँ पर देखो टू लोकेट पोल स्टार अगर आप लोगों को पोल स्टार को लोकेट करना है ना वी शुड लुक टुवर्ड द नदन पार्ट ऑफ द स्काई नॉर्थ ऊपर की तरफ में जैसे कि पूरा ये स्काई है ठीक है स्काई में ये नॉर्थ हो गया साउथ हो गया ईस्ट हो गया वेस्ट हो गया तो हमें नदन पार्ट ऑफ द स्काई में देखना होगा एंड आइडेंटिफाई उर्सा मेजर तो उर्सा मेजर हम लोग का इस तरीके से ऐसे करके ये बना हुआ होता है जिसको हम लोग सप्तऋषि कहते हैं ठीक है फिर इस तरीके से यहाँ पे ये वाला जो बन रहा है इससे एक सीधी लाइन ऐसे करके जा रही है ये देखो ऐसे करके लाइन जाती है ये हमारा पोल स्टार होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी स्टार्स इज इमेजिड एंड एक्सटेंडेड टूवर द नॉर्थ डायरेक्शन दिस विल लीड टू नॉट दैट ब्राइट स्टार जिसको हम लोग पोल स्टार कहते हैं तो इस तरीके से ये हम लोगों को देखने को मिल जाता है मतलब पहले उल्टा मेजर होगा फिर उससे एक स्ट्रेट लाइन जाएगी तो वो पोल स्टार की तरफ चली जाती है क्वेश्चन थर्टी है डू ऑल द स्टार्स इन द स्काई मूव एक्सप्लेन क्या सारे के सारे जो स्टार्स होते हैं आसमान में क्या वो मूव करते हैं तो नहीं कोई स्टार मूव नहीं करता प्लान मूव करते हैं नो स्टार्स एक्चुअली डू नॉट मूव बट दे एक्चुअली ओनली अपीयर टू मूव फ्राम ईस्ट टू वेस्ट एज द अर्थ फ्राम वेयर वी सी दैम रोटेट्स फ्राम वेस्ट टू ईस्ट हाउ एवर पोल स्टार विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ एक्सिस डज नॉट अपेयर टू मूव तो अर्थ हमारी क्योंकि मूव कर रही होती है अर्थ हमारी कैसे मूव करती है ये वाली चीज़ आप लोगों को ना याद रखनी है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अर्थ कैसे रोटेट करती है अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अब क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट लोकेट रोटेट करती है इसलिए बाकी सारी चीज़ें हम लोगों को हमसे उल्टी घूमती हुई दिखती हैं ईस्ट टू वेस्ट की तरफ और पोस्टर हमें घूमता हुआ नहीं दिखता क्योंकि पोस्टर जैसे कि अर्थ की ना ये एक्सेस है ऐसे करके तो बिल्कुल इसकी एक्सेस के सामने ही जो है पोल स्टार लोकेटेड है तो हमें वो हमेशा स्टेशनरी एक ही जगह पर रुका हुआ दिखता है क्वेश्चन फोर्टीन है वाई इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एक्सप्रेस इन लाइट ईयर्स डिस्टेंस जो स्टार का है वो लाइट ईयर में क्यों एक्सप्रेस करते हैं वाई डू यू वू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट दैट द स्टार इज एट लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम दी अर्थ तो डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एक्सप्रेस इन लाइट ईयर्स तो डिस्टेंस जो होता है स्टार्स का वो हम कहते हैं ना ए लाइट ईयरस है तो एट लाइट ईयर्स है दूर अर्थ सन से इसका क्या मतलब है तो आंसर है द स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ एंड इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस दस डिस्टेंस इन किलोमीटर क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर होते हैं स्टार्स इसलिए हम लोग इनको किलोमीटर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते दस इतना बड़ा जो डिस्टेंस है उसकी जो यूनिट है हम लोग वो लाइट ईयर में एक्सप्रेस करते हैं इफ़ वी से दैट स्टार इज़ एट लाइट ईयर्स अवे फ्राम अर्थ इट मीन्स दैट लाइट फ्राम सन विल रीच द अर्थ इन एट ईयर्स तो सन से जो लाइट आएगी उसको अर्थ तक पहुंचने में आठ साल लग जाते हैं तो हमारे पास जो लाइट अभी आ रही है ना वो आठ साल पहले सन से चली होगी और तब जा कर के वो अब हमारे पास पहुंच रही है क्वेश्चन फिफ्टीन है रेडियस ऑफ जुपीटर इज अलेवन टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ जो जुपीटर का रेडियस है वो अर्थ के रेडियस से ग्यारह गुना है यानी कि ग्यारह गुनी ग्यारह गुना बड़ा है जुपीटर अर्थ से कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ जुपीटर एंड अर्थ हाउ मेनी अर्थ्स कैन जुपीटर एकोमोडेट तो हमें बताया गया है कि जो जुपिटर का रेडियस है ना वो ग्यारह गुना है अर्थ से तो हम लोगों को इनकी जो वॉल्यूम्स है ना उनका रेशियो निकालना है और एक जुपिटर में कितनी अर्थ आ जाएंगी ये भी निकालना है तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या किसी भी स्फेयर क्योंकि स्फेरिकल होती हैं प्लानट्स सारे तो स्पेयर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है फोर बाई थ्री बाई आर क्यूब ठीक है ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों को दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर स्फीयर जो है एथ क्लास में आप लोग मैथ्स में पढ़ रहे हैं कि स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब हम लोगों को इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में कि रेडियस ऑफ जुपीटर इज इक्वल्स टू अलेवन टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ तो जुपीटर का जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस से ग्यारह गुना है तो और हम लोगों को इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ जुपीटर क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ जुपीटर हो जाएगा फोर बाई थ्री बाई आर और आर की जगह आप लोग क्या रख दोगे क्योंकि अर्थ को आप लोगों ने रेडियस ऑफ अर्थ आपने आर माना है और जो जुपिटर का रेडियस है वो अलेवन आर है तो इस आर की जगह यहाँ पर आप लोग अलेवन आर रख दोगे अब देखो अलेवन आर जब आप लोगों ने रखा यहाँ पर तो कैसा आया देखो अलेवन इंटू अलेवन अलेवन और अलेवन होता है वन ट्वेंटी वन फिर वन ट्वेंटी वन को आप लोग फिर से अलेवन से क्योंकि अलेवन आर क्यूब है आर क्यूब है यानी कि अलेवन को आप लोगों को तीन बार मल्टीप्लाई करना है तो वन वन जे वन वन टू जे टू वन वन जा वन वन जा वन, वन जे वन वन टू टू वन वन, वन वन जा वन तो वन थ्री थ्री वन ये हम लोगों का आ जाएगा वन थ्री थ्री वन आ गया तो देखो ये वन थ्री थ्री वन हम लोगों ने बाहर ले लिया और अंदर क्या ले लिया फोर बाई थ्री पाईआर क्यूब हमने अंदर ले लिया तो वन थ्री थ्री वन किया गया फोर बाई थ्री पाईआर क्यूब और नीचे भी फोर बाई थ्री पाईआर क्यूब तो हम लोगों ने इसको काट दिया तो वॉल्यूम ऑफ जुपीटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ जुपीटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ हमारे पास इनका जो रेशियो आ गया वो वन थ्री थ्री वन आ गया तो कितनी अर्थ आ जाएंगी वन थ्री थ्री वन अर्थ जो है आ जाएंगी जुपिटर में इस तरीके से समझ में आ गया ना आप लोगों को अगर आप लोगों को इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसको फिर दोबारा से भी एक बार हम लोग अलग से देख सकते हैं वैसे तो कुछ नहीं है हम लोग को क्या करना है इसमें वॉल्यूम ऑफ अर्थ लिखनी है हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि रेडियस है जुपिटर का इलेवन आर तो वॉल्यूम ऑफ जुपिटर क्या हो जाएगी क्योंकि किसी भी स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है फोर बाय थ्री पाईआर क्यूब तो यहाँ पे आर की जगह आप लोग लिख देंगे यहाँ पे जो आर था इसकी जगह अलेवन आर आ जाएगा और इसका होल क्यूब है यानी कि अलेवन को तीन बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन थ्री थ्री वन आ जाएगा वन थ्री थ्री वन आ गया अब फोर बाय थ्री पाईआर क्यूब और अर्थ की वॉल्यूम इनका रेशियो यही तो हम लोगों को बोला गया है कि इनका क्या निकालना है इनका हमें रेशियो निकालना है तो इस तरीके से ये आ जाएगा हमारे पास वन थ्री थ्री वन अब देखो भोजो ने एक डायग्राम ड्रॉ किया है वो बताना है गलत है सही है तो आ, हम लोग मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि भाई इसका सीक्वेंस याद होना चाहिए तो सबसे पहले क्या है सूरज के बाद है सबसे पहले मरकरी ठीक है मरकरी हम्म ये मरकरी है मरकरी के बाद वीनस आना चाहिए और ये इसने भूजो ने मार्स लिखा हुआ है तो यहीं पर गलत हो जाएगा तो देखो सन देखो ये सबसे पहले आएगा मरकरी ये इधर है मरकरी इस वाले पे ठीक है यहाँ पे ये ना मरकरी फिर इधर है वीनस फिर उसके बाद अर्थ मार्स फिर जुपिटर, सैटर्न यूरेनस नैपचून तो बोझो ने क्या गलती कर रखी है इसने गलती जो कर रखी है वो ये है कि इसने ना सन के बाद आ, सीधा क्या लिख दिया है मरकरी मार्स uh, पहले लिख दिया है वीनस से और इसी तरीके से इसने नैप्चून पहले लिख दिया है यूरेनस से यूरेनस बाद में आता है नैप्चून सबसे लास्ट में आता है और सेकेंड नंबर पर वीनस आता है तो ये गलती इसने कर रखी है तो हम लोगों ने देख लिए सारे के सारे एक्सरसाइज का सोल्यूशन अच्छा लगा है वीडियो तो मेक श्योर टू हिट सब्सक्राइब बटन और लाइक like कर दीजिएगा शेयर करिए थैंक यू